शादी एक ऐसा मौका है जब हर कोई बेस्ट दिखना चाहता है, खासतौर पर दुल्हन सिर से लेकर पैर तक खूबसूरत दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। टेंशन तब हो सकती है जब दूल्हे की हाइट दुल्हन से काफी ज्यादा हो, यानी कि मैच ना कर रही हूँ। सो गर्ल्स, अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो डोंट वरी एंड मेरी वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना, आपको यहाँ से आपकी सारी टेंशन दूर हो जाने वाली है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इनको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर से बताना। चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, जिनकी हाइट छोटी है तो उन लोगों के लिए सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि लहंगे और ब्लाउज के बीच में आप लोगों को गैप रखना है। अगर हाइट का इल्यूजन देने के लिए मिडरिफ की लंबाई ज्यादा दिखानी है तो इसके लिए लहंगे को नाभि के आसपास ही पहने। याद रखिए कि ब्लाउज और लहंगे के बीच 3 से 4 इंच गैप आपको देना है तो काफी अच्छा रहेगा एंड इससे हाइट का इल्यूजन काफी अच्छे से आप लोगों को साफ साफ देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ सेकंड टिप है हमारी लहंगे की एम्ब्रॉयडरी को लेकर। सो गाइस, लहंगे में जो भारी भरकम एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर बड़े बड़े प्रिंट होते हैं वो आपकी हाइट को कम दिखाते हैं। अगर आपने यहाँ पर हाइट का इल्यूजन दिखाना है तो इसके लिए आपको बारीक या फिर हल्की एम्ब्रॉयडरी वाला आपको लहंगा चुनना होगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसी के साथ हमारी टिप नंबर 3 आती है जिसमें आएगा गाइस लहंगे का बॉर्डर। या हमेशा याद रखिए गाइस कि जो लहंगे का बॉर्डर है जितना छोटा होगा आपकी हाइट उतनी ही कम दिखने वाली है, तो इसके लिए कोशिश करें कि लहंगे का आप जो लहंगा चुन रहे हैं या तो उसमें बॉर्डर ही ना हो या फिर पतला बॉर्डर हो तो आपकी हाइट का इल्यूजन काफी हद तक गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको ये टिप जरूर से पसंद आई होगी। इसी के साथ गाइस नेक्स्ट टिप जो है हमारी वो है लहंगे की लंबाई को लेकर। सो गाइस, लहंगे की लंबाई भी सोच समझ कर आपको करनी है। जैसे कि आप लहंगे की लंबाई आपकी नाभि से शुरू होकर आपके पैरों के कुछ इंच तक गाइस नीचे होनी चाहिए। लहंगा आपको अच्छी तरह फिट होने वाला भी होना चाहिए, यानी कि अपनी फिटिंग के अनुसार अपना लहंगा पहले ही फिट करवा लो वरना आप इसमें मोटी भी दिख सकती हैं। हाइट तो आपकी कम दिखेगी ही, साथ ही में आप मोटी भी लगेंगे तो सोचो क्या ही होगा। इसलिए लहंगे की लंबाई सोच समझ कर आपको पहले ही ठीक करानी है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इमेज में देख ही पा रहे होंगे। आई होप आपको ये जरूर से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी जो गाइस नेक्स्ट टिप होगी वो होगी आपके ब्लाउज को लेकर। गाइस, जिनकी हाइट शॉर्ट है उनको ब्लाउज का जो नेक होता है उसका चूज करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंद गला पहनने से आपकी गर्दन छोटी दिखेगी और लुक भी आपका बिगड़ जाएगा। ऐसा ब्लाउज पहनिए जिसमें आपकी कॉलर बॉन दिखाई दे एंड ब्लाउज का गला यू शेप या फिर वी शेप नेक ठीक रहेगा, आप इसके साथ में जा सकती हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट टिप आती है ज्वेलरी की। अगर आपकी हाइट कम है तो ज्वेलरी आपको सोच समझ कर ही चुननी चाहिए। अगर आप भारी भरकम और बॉन्ड ज्वेलरी पहनने की सोच रही हैं तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपकी हाइट बहुत ज्यादा कम दिखने वाली है। आपने गाइस इयररिंग्स एंड नेकलेस के बीच में एक ही चीज को बॉर्ड रखना है। अगर आप इयररिंग्स बड़े पहन रही हैं तो नेकलेस हल्का रखें, अगर आप नेकलेस हैवी ले रही हैं तो गाइस इयररिंग को आप छोटा कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा आपके हाइट के इल्यूजन को कम करने में। इसी के साथ गाइस अब बारी आती है लहंगे के कलर का चूज करना। तो गाइस लहंगे में अगर कलर की बात करें, अगर ट्रेंड की बात करें तो आजकल चल रहे हैं बहुत ज्यादा पोस्टल शेड, यानी कि हल्के रंग के लहंगे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो हल्के रंग और न्यूट्रल शेड आप ना चुने, आप डार्क पिंक, रेड और बरगंडी जैसे कलर्स को चुन सकते हैं, क्योंकि गाइस डार्क कलर जो होते हैं ना वो हाइट इल्यूजन कराने में काफी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। एंड गाइस ये कलर बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किए हैं, आप लोग इनको जरूर से चुनना। एंड लास्ट गाइस आता है हेयर स्टाइल की बारी। तो हेयर स्टाइल से गाइस दुल्हन के लुक में काफी ज्यादा अहम रोल मिलता है, लेकिन मेन जो थीम है वो आपकी हेयर स्टाइल पर मिलने वाली है। तो आप हाई बन से लंबाई का इल्यूजन कर सकती हैं, साथ ही में फीचर्स को भी शार्प दिखाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कुछ आप अपने बन को तैयार कर सकती हैं विद ज्वेलरी है या फिर फ्लावर ज्वेलरी के साथ में। आई होप आपको जरूर से पसंद आई होंगी। गाइस मेरे द्वारा बताई गई टिप्स आपको कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। गाइस काफी ज्यादा मेहनत लगती है एक ही वीडियो को तैयार करने में, तो प्लीज सपोर्ट मी गाइस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।